फेमस बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे जाने माने सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण इन दिनों अपनी शादी को लेकर खबरों में हैं। आदित्य अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल संग शादी करने जा रहे हैं। अभी बीते दिनों ही उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी और अब खबर है कि आदित्य इसी साल श्वेता के साथ सात फेरे लेंगे। वहीं हाल ही में उन्होंने इस बारे में बातचीत की है। दरअसल 33 साल के आदित्य नारायण अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ इसी साल शादी करने के मूड में हैं। हाल ही में आदित्य ने अपनी शादी की तारीख को लेकर चुप्पी तोड़ी और बताया था कि वो इस कोरोना काल में कब और कैसे शादी करने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए आदित्य ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ 1 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं। आदित्य कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस शादी में हम केवल करीबी परिवार और दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 50 से अधिक मेहमानों को शादी में इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों एक मंदिर में बेहद ही सरल तरीके से शादी करेंगे। हालांकि आदित्य ने ये कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो आलिशान तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि एक रिसेप्शन पार्टी थ्रो करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, आदित्य और श्वेता करीब पिछले 10 सालों से रिश्ते में हैं, जिसे लेकर हर जगह ये बातें होने लग गई थी कि आदित्य ने सभी बातों को छिपा कर रखा है। हालांकि जब आदित्य से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने रिश्ते को कभी छुपाया नहीं, लेकिन एक समय पर इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, इसलिए मैंने इस रिश्ते के बारे में बात करना बंद कर दिया था। अब आते हैं इनके लव लाइफ पर। ये तो सभी जानते हैं कि श्वेता अग्रवाल एक एक्ट्रेस हैं। उन्होंने आदित्य नारायण की बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म शपथ में उनके ऑपोजिट काम किया था। फिल्म के सेट पर ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और यहीं से मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि श्वेता को रुझाने और मनाने के लिए आदित्य को खूब पापर बेलने पड़े थे। खैर, जितनी भी मुश्किलें आई हों, सच तो ये है कि अब ये लव बर्ड्स 1 दिसंबर को एक दूजे के होने जा रहे हैं। वैसे इनकी शादी को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।